सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. कैसे हैं सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? सो मेरे प्यारे भाइयों, जैसा आप सभी को पता है, अपन कर रहे हैं आज से टॉर्सन इन शाफ्ट की शुरुआत. थ्योरी ऑफ, आप देख सकते हो बेटा, थ्योरीज ऑफ फेलियर्स वगैरह मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले भी, ठीक ना. तो उन सबको भी रिलेटेड करते हुए अगर मैं बात करना चाहूँ, ठीक ना, वहाँ से मैं टॉर्सन इन शाफ्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें लूँगा. और टॉर्सन इन शाफ्ट में जो है बेसिक फॉर्मूलेज जो हैं आपके प्योर टॉर्सन इक्वेशन, इन सबको लेते हुए मैं आगे बढ़ूंगा. और डिजाइन कैसे करते हैं शाफ्ट की, क्योंकि शाफ्ट की डिजाइनिंग आप बेटा मशीन डिजाइन के अंदर पढ़ चुके हो. शाफ्ट की डिजाइनिंग आप मशीन डिजाइन के अंदर पढ़ चुके हो, तो यहाँ मैं आपको उसके आगे कुछ चीजें और दिखाने वाला हूँ. तो टॉपिक इंटरेस्टिंग है, आसान है, एग्जाम में आता है. तो आप हमारे साथ जुड़े रहो, बने रहो. इसके टोटल 5 सेशंस होंगे. कैसे कैसे होगा बताता हूँ. आज पहला सेशन है, 2 दिन और चलेगा. दैट मीन्स 4 सेशन में होगा इसके थ्योरेटिकल पार्ट और 1 सेशन में होगा इसका न्यूमेरिकल पार्ट. तो बहुत ही शानदार है, ध्यान से देखना, प्यार से देखना, बहुत ही मजा देना, इस टॉपिक को बहुत प्यार देना. सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को शेयर कर दो. एक और सरप्राइज देना है सभी को आज से, ठीक है ना. नेक्स्ट 2 डेज के क्लास की टाइमिंग जो है थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है ना. नेक्स्ट 2 डेज के क्लास की टाइमिंग जो है, अगले 2 दिन की क्लास की टाइमिंग जो है थोड़ी सी चेंज है, उस पर भी थोड़ी चर्चा करनी है मुझे, ठीक है. चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक झा, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल दिस यूट्यूब चैनल अन अकेडमी गेट MEPIXC. चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ. चलो भाई शुरुआत करते हैं. सो आई एम एक्सपर्ट इन गेट एंड ESE, एमटेक फ्रॉम IIT, 4 टाइम्स गेट टॉप रैंकर, हैविंग 9 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, एंड सब्जेक्ट टेकन बाय मी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट इज थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. सो मेरे प्यारे भाइयों, अगर मैं बात करना चाहूँ इन सब के ऊपर, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए ही हैं, ठीक है ना. 9 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस आप लोगों को मेरे स्टडी में आपको दिखता होगा, किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कैसी कैसी हैकिंग्स मिलती हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है. सो डियर, इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर प्लस और आइकॉनिक, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं अगर हमारे साथ, ठीक है ना, अगर आप हमारे साथ प्लस या आइकॉनिक में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लस में आपको मैजिकल लाइव क्लासेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, इंग्लिश हिंदी बैचेस, डाउट सॉल्विंग सेशन जहां बोल कर ही सारे डाउट क्लियर होते हैं, वीकली टेस्ट एंड क्रैश कोर्सेस, ये सारी चीजें आपको यहां मिलती हैं, देख लीजिए. तो डियर, प्लस में मैजिकल लाइव क्लासेस जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. और डाउट सॉल्विंग सेशन जहां आप बोल के डाउट पूछते हो अपना, है ना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. आलोक लाइव कोड लगाना है, दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्काउंट कोड, दिस इज द डिस्काउंट कोड डियर. तो आप डिस्काउंट कोड लगाइए आलोक लाइव और जुड़े रहिए, ठीक है ना. इस समय एक सब्सक्रिप्शन आया हुआ है 4 मंथ, 4 मंथ पे 1 मंथ आपको फ्री मिल रहा है, ठीक ना, ये आपको फ्री मिल रहा है. 4 मंथ के सब्सक्रिप्शन के 1 महीने का आपको फ्री मिल रहा है, ठीक ना. टोटल 5 महीने का सब्सक्रिप्शन है. फीस इज 16,000, 16,000 क्या है, आप ज्वाइन कर सकते हैं. आइकॉनिक पे आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग इंस्ट्रक्टर, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट एनालिसिस, सारी चीजें आपको आइकॉनिक के प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे. आइकॉनिक एक ब्लेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ स्टडी मटेरियल जो है आपके घर भेजा जाएगा, ठीक ना, हार्ड कॉपी, ठीक ना. नाउ यू कैन सी दिस, अगर मैं पर ईयर पे देखूं बेटा, 12 मंथ का, 18 मंथ का और 24 मंथ का, तो 12 मंथ का प्लान जो है आपका, उसका फीस 2434 पर मंथ है. आप पर मंथ EMI के थ्रू भी पे कर सकते हो, 18 मंथ में भी आप पर मंथ EMI के थ्रू पे कर सकते हो, 24 मंथ में भी पर मंथ EMI के थ्रू आप पे कर सकते हो, ठीक है. देयर इज अ नो कॉस्ट EMI, ठीक है ना, नो कॉस्ट EMI है, ध्यान रखियो. कोड है आलोक लाइव, कोड है आलोक लाइव, ध्यान रखना. नाउ आइकॉनिक की बात करना चाहूँ तो आइकॉनिक में भी आप ध्यान से देख सकते हो, दिस इज द नो कॉस्ट EMI, यहाँ आप फीस देख सकते हो, नो कॉस्ट EMI पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना. आलोक लाइव कोड लगाकर, कोड है आलोक लाइव, आलोक लाइव डिस्काउंट कोड लगाइए और जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, ठीक ना. आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है, हैशटैग डिजाइन मेरी जान है, बस हमारे साथ बने रहो इसी तरह, ठीक ना. गेट एंड ESE का प्राइस हाइक होने वाला है डियर, तो आप यहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक ना. चलिए शुरुआत करते हैं टॉर्सन की. तो सभी लोग आ गए, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल.
यार कितनी कम स्ट्रेंथ पे टॉर्सन इन शॉर्ट पढ़ाने का कोई मजा नहीं है, सच बता रहा हूं, ठीक ना। चलिए सर, टॉर्सन इक्वेशन के अकॉर्डिंग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होने पर मैक्सिमम टॉर्क कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा एक काम करो, सोम का आखिरी क्लास का क्वेश्चन अभी पूछ लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। यू आर अ मोर एडवांस टूल, यू आर अ मोर एडवांस टूल, ठीक है ना। हुआ क्या कि अभी पढ़ाना शुरू किया है, अभी बच्चा पेड़, मतलब पेड़ अभी ये है ना, जैसे पेड़ अभी आज हम लगाने जा रहे हैं, आज हम टॉर्सन पढ़ाने जा रहे हैं, पेड़ लगाने जा रहे हैं, और बच्चा पूछता है वो फल आएगा उसका कलर लाल क्यों होता है अकॉर्डिंग टू अंकित, ठीक है ना। तो पेड़ लगाने तो दो, शायद हो सकता है फल तक पहुंचोगे तो शायद बता भी दूं मैं, ठीक ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, पेड़ लगाने तो दे मेरे भाई, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉर्सन इन शाफ्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। टॉर्सन इन शाफ्ट, शाफ्ट के अंदर क्या होगा बेटा? टॉर्सन मतलब टॉर्क। ये टॉर्सन वर्ड जो है ना, टॉर्सन जो वर्ड है ना, ये टॉर्सन वर्ड क्या डिनोट करता है? टॉर्सन वर्ड डिनोट करता है टॉर्क। किसी भी शाफ्ट के अंदर, यू कैन सी इन दिस शाफ्ट, इस शाफ्ट के अंदर आप ऐसे यहां क्या लगा रहे हो दियर, दिस इज अ टॉर्क, क्या अप्लाई कर रहे हो? टॉर्क, क्या अप्लाई कर रहे हो? टॉर्क, दैट इज व्हाट, दैट इज टॉर्सन, ठीक ना। तो किसी भी शाफ्ट के अंदर अगर हम टॉर्क अप्लाई करते हैं, टॉर्सन का मतलब क्या हो गया, क्या अप्लाई करते हैं? टॉर्क। अच्छा ना, मेरा सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज टॉर्सन, ठीक है ना, सुनिएगा ध्यान से। टॉर्सन का मतलब क्या होता है? किसी भी शाफ्ट के ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं? ट्विस्टिंग मोमेंट। हम क्या अप्लाई करते हैं? ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क, उसी को हम क्या कहते हैं? टॉर्क, टॉर्क बोलते हैं, ठीक है ना। टॉर्क अप्लाई करने को दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं? उसको ट्विस्टिंग करते हैं। उसके ट्विस्टिंग करने का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर हम कपल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। टॉर्सन का मतलब है किसी शाफ्ट को ट्विस्ट करना। ट्विस्ट करने का मतलब क्या बेटा? कपल का जनरेशन होता है, तभी ट्विस्ट होता है। अच्छा आपको पता है कपल का जनरेशन कब होता है, या कोई भी शाफ्ट ट्विस्ट कब करता है? सर कोई भी शाफ्ट ट्विस्ट करता है जब उस शाफ्ट पे क्या लगेगा? शियर स्ट्रेस लगेगा। ये शियर स्ट्रेस लगेगा, मैंने बोल दिया, आप शियर स्ट्रेस से पहले शियर फोर्स लगेगा, इसी शाफ्ट पे शियर फोर्स लगेगा, इसी शाफ्ट पे जब शियर फोर्स लगेगा तब जाके उस पर क्या होगा बेटा? ट्विस्टिंग होगा। ध्यान रखिएगा शाफ्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी शाफ्ट पे क्या लगेगा बेटा? शियर फोर्स लगेगा, तब जाके क्या होगा? उसकी ट्विस्टिंग होगी। शियर फोर्स क्या होता है? शियर फोर्स इज नथिंग बट टेंजेंशियल फोर्स, शियर फोर्स इज नथिंग बट टेंजेंशियल फोर्स। शियर फोर्स क्या है? शियर फोर्स एक टेंजेंशियल फोर्स है। टेंजेंशियल फोर्स का एक और नाम होता है जिसका नाम है पैरेलल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स का एक और नाम है जिसका नाम है पैरेलल फोर्स। ध्यान रखिएगा शियर फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, या इसको हम क्या कहते हैं बेटा? पैरेलल फोर्सेस, याद रखिएगा। तो टॉर्सन का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर टॉर्क लगा हो, शाफ्ट के अंदर टॉर्क लगता है, दैट मीन्स ट्विस्टिंग जनरेट होता है, या आप कह सकते हो कपल का फॉर्मेशन होता है। तो ट्विस्टिंग शियर फोर्स की वजह से होता है। शियरिंग का मतलब होता है टेंजेंशियल फोर्स। जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, मेरे हाथ में ये पेन है, अब मुझे इसको ट्विस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? इसके सरफेस के ऊपर ऐसे फोर्स लगाऊंगा, तभी तो ये ट्विस्ट होगा, तभी तो ये ट्विस्ट होगा। यस और नो? यस और नो? जैसे मान लो मेरे पास यहां एक रुमाल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, मेरे पास, ठीक है ना, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूं, मेरे पास एक कपड़ा है, मैं अब क्या करता हूं कि इस पर शियरिंग करना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको देखना ध्यान से, ये ऐसे, ये क्या लग रहा है सर? दिस इज द कपल। कपल कैसे सर? एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, ना। अब क्या अप्लाई हुआ? क्या अप्लाई हुआ? टॉर्क। ये क्या अप्लाई हुआ? टॉर्क मतलब टॉर्सन। इसके ऊपर क्या अप्लाई हुआ? टॉर्क मतलब टॉर्सन, ठीक है ना। नाउ यू कैन सी दिस, तो इसके ऊपर कैसा फोर्स लगा? यू कैन सी दिस, कैसा फोर्स लगा डियर? सरफेस पे पैरेलल, सरफेस पे पैरेलल फोर्स लगा, ठीक है ना। एंड ये पैरेलल फोर्स जो है, देखो यू कैन सी दिस,
एक ये हाथ और एक ये हाथ, ये दोनों एक दूसरे का क्या है सर? दीज बोथ आर पैरेलल एंड अनलाइक इन नेचर. व्हाई अनलाइक इन नेचर? वन इज अपवर्ड, सेकंड वन इज डाउनवर्ड. दे फॉर्म कपल, दे फॉर्म टॉर्क. ठीक है ना, यू कैन सी दिस. तो टॉर्सन जो है बेटा, टॉर्सन जो है बेटा वो टॉर्क से जनरेट हुआ है, ट्विस्टिंग से. ट्विस्टिंग सियर फोर्स, जिसको हम टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं या पैरेलल फोर्सेस भी कहते हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है ना, इज दैट क्लियर? तो पैरेलल फोर्सेस क्या होगा? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. अनलाइक मींस डिफरेंट डिफरेंट. ऐसे तो नहीं ना हो सकता, ये भी तो पैरेलल फोर्स हो सकता है, ये भी तो पैरेलल फोर्स हो सकता है. ऐसे थोड़ी ना शेयरिंग होती है. शेयरिंग तब होगी ना जब एक नीचे एक ऊपर होगा, तब होगा ना बॉडी के अंदर शेयरिंग. कपड़ा धो के निचोड़ते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे पकड़ के ऐसे निचोड़ देते हैं. तो एक हाथ ऐसे घूमता है, दूसरा हाथ इधर की ओर, ऐसे यही करते हैं ना. कपड़ा ऐसे ही धो के निचोड़ते हो ना, तो वही हमारा क्या है यहाँ, शेयरिंग है. ध्यान दीजिए, तो टॉर्सन जो है बेसिकली जनरेट हुआ है शेयर फोर्स से. अच्छा, शेयर फोर्स से क्या जनरेट होगा? यहाँ शेयर स्ट्रेस का फॉर्मेशन होगा. ठीक है ना. अच्छा, किसी भी बॉडी के ऊपर जब ट्विस्टिंग करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा? ठीक है ना, इफेक्ट क्या होगा उस बॉडी पे, क्या होगा सर? इस किसी बॉडी पे, जैसे आपने ये बॉडी लिया, इस बॉडी पे आपने क्या किया? इस बॉडी पे आपने ट्विस्टिंग किया. ठीक है ना, कपल का जनरेशन किया. दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, कैसा फोर्स है? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जब लगाया तो किसी भी शाफ्ट के ऊपर क्या हुआ? एक इफेक्ट आया जिसका नाम था स्ट्रेन. इसका नाम था शियर स्ट्रेन. जिसको हम एंगल में डिनोट कर, जिसको हम एंगल से डिनोट करते हैं. ठीक है, यू कैन सी दिस. अगर मान लो कि हमारे सामने एक बॉडी है, अब इस बॉडी में हुआ क्या? ये क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया. ये क्रॉस सेक्शन क्या हुआ? चेंज हो गया अपने ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन से. जैसे ये सेक्शन है, ये बॉडी पहले यहां थी, अब ये बॉडी कहां है? ये बॉडी पहले यहां थी, अब ये बॉडी कहां है? ये बॉडी अब यहां खिसक चुकी है. यू कैन सी दिस. सो दिस इज व्हाट दिस एंगल इज कॉल्ड, फाई एंगल. ये जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड फाई एंगल. एंड दिस फाई इज शियर स्ट्रेन. दिस फाई इज शियर स्ट्रेन. इज दैट क्लियर? दिस फाई इज व्हाट? शियर स्ट्रेन. अच्छा, शियर स्ट्रेन कहां देखने को मिलता है? तो शियर स्ट्रेन बॉडी के सरफेस पे देखने को मिलता है, सरफेस ऑफ बॉडी. शियर स्ट्रेन कहां देखने को मिलता है? सरफेस ऑफ बॉडी. नाउ व्हाट इज दिस सर? दिस इज द क्रॉस सेक्शन. ये क्या है डियर सर? दिस इज द क्रॉस सेक्शन. ये क्या है डियर? दिस इज द क्रॉस सेक्शन. अब क्रॉस सेक्शन में भी तो चेंज आया होगा. जी सर, आया है. अच्छा, आओ देखते हैं थोड़ा सर. ये हमारा बॉडी का क्रॉस सेक्शन है, यू कैन सी दिस. ठीक है ना, यहां हमारे दो फोर्सेस, यहां हमारे इस क्रॉस सेक्शन पे दो फोर्सेस हैं. एक फोर्स ये नीचे की ओर और एक फोर्स ये ऊपर की. So dear, you can see this. These forces are parallel. You can see this. These forces are parallel, but unlike in nature. ठीक ना, तो ये क्या generate करेंगे? Couple का generation करेंगे. देख लो ध्यान से. ये क्या generation करेंगे? देखो ध्यान से. ये force ऊपर, ये force नीचे. ये कैसा generate करेंगे? Couple का generation करेंगे. देख लो, ये red वाली line ऐसे couple का generation कर रही है. जी, ये couple का generation कब होगा? ये couple का generation जब होगा जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के जस्ट पैरेलल होंगे और अनलाइक इन नेचर होंगे. ठीक है नाउ डियर, यू कैन सी दिस. अगर मैं बात करना चाहूं, शियर स्ट्रेन ऐसे हो रहा है और क्रॉस सेक्शन पे अगर नीचे की तरफ देखूं इस शियर स्ट्रेन को,
तो ये एंगल जो क्रॉस सेक्शन पे चेंज हुआ और ऐसे इधर ये एंगल, दिस एंगल इज थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब बच्चे बोलते हैं कि यार टॉर्सन इंसाफ में थ्योरी क्यों है, थ्योरी क्यों पढ़े ना, है ना भैया? एक चीज ध्यान रखना, जो भी बच्चा टॉर्सन इंसाफ पढ़ता है एजम्पशन छोड़ के पढ़ता है, एजम्पशन नहीं मानता वो, वो कहता है एजम्पशन में टाइम बर्बाद होता है, टी बाई जे टाउ बाई आर जी थीटा अपॉन है, लाओ कौन सा क्वेश्चन उड़ा डालूं, वो यही कहता है, ठीक ना। लेकिन जब तक आप एजम्पशन नहीं समझोगे, याद रखना आप गधे की तरह काम करते रहोगे, आपको स्मार्ट वर्क कभी नहीं आएगा, गारंटी नहीं आएगा, लिख के ले लो, आपको कभी समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए स्मार्ट वर्क करने के लिए ये सब चीज जरूरी है। अगर स्मार्ट वर्क करते हो तो आप बहुत सारी चीजों का समय बचा सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये जो आप हैकिंग सुन के उछल पड़ते हो ना कि वाह हैकिंग आ गया, ठीक है ना, तो ये हैकिंग्स वगैरह आप खुद भी बना सकते हो अगर आप सारी चीजें ध्यान से सुनते हो तो। बट नहीं, हमें तो वही वाला काम करना है, ठीक ना। यू कैन सी दिस इज अ थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट कहां हुआ सर? एंगल ऑफ ट्विस्ट हुआ क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट। ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट। अब मैं आपसे दो लाइन पूछूंगा, बस ध्यान सुनियो। ये शाफ्ट देखो, शियर स्ट्रेन क्या हुआ? सरफेस ऑफ द बॉडी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉडी सर? लेंथ इज एल। तो बेसिकली शियर स्ट्रेन जो है सरफेस पे हो रहा है, मतलब किस पे हो रहा है? लेंथ पे हो रहा है। और एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा ये क्रॉस सेक्शन पे हो रहा है, और क्रॉस सेक्शन का रेडियस क्या है? स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ शाफ्ट। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ शाफ्ट। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ शाफ्ट। ओके, दिस इज स्मॉल आर। अच्छा, बेसिकली क्रॉस सेक्शन का जो रिलेशन है एंगल ऑफ ट्विस्ट का, वो आर्क पे है। नाउ अब समझो स्मार्ट ट्रिक। क्या सर? समझो यार, अगर आप लेंथ की बात कर रहे हो तो आप तुरंत समझ जाओगे सीयर स्ट्रेन हो रहा है सरफेस पे, अगर आप रेडियस की बात करो तुरंत समझ जाओगे एंगल ऑफ ट्विस्ट पे। बट अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो तुम ये बात समझ ही नहीं पाए। मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं, मतलब कि अगर मैं कहूं फाई जो है सरफेस पे हो रहा है और थीटा जो है क्रॉस सेक्शन पे हो रहा है, बट अगर मैं तुम्हें कहूं ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तुम कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सरफेस पे हो रहा है लेंथ है, ये तो क्रॉस सेक्शन पे हो तो रेडियस आर। ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं अब समझना, चलो अगले पेज पे समझाता हूं, ठीक है ना। यहां डियर, अगर मैं बात करना चाहूं बॉडी में क्या लग रहा है, पैरेलल थिंग्स लग रही हैं, पैरेलल कपल्स जनरेट हो रहे हैं, यू कैन सी दिस, ए पैरेलल फोर्सेस लग रहा है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो कपल का जनरेशन क्या होगा? What is the couple? अभी मैं ये चीजें भी समझाता हूं, ये वाली बात। कपल क्या होगा सर? कपल इज फोर्स इंटू डी बाई टू, फोर्स इंटू डी बाई टू दे फॉर्म कपल। कपल बोले तो टॉर्क, कपल बोले तो टॉर्क। क्लियर? ठीक है भाई, ये सब तो समझ गए, पर ये समझाइए थोड़ा, अभी समझाते पहले ही बताओ ये पेज समझ में आया, जल्दी बताओ। या टू पैरेलल, बिल्कुल ठीक ना आया। चल बेटा, अब मैं आपको ये चीज थोड़ा समझाना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान सुनिए मुझे, आओ आओ ठाकुर आओ।
सी दिस, ये हमारा क्या है बेटा, दिस इज आवर सा, दिस इज आवर साफ्ट, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, पहले हम लोग किसको देख रहे हैं, पहले हम लोग किसको देखेंगे, हम लोग फाई को देखेंगे, शियर स्ट्रेन। हम लोग किसको देख रहे हैं, शियर स्ट्रेन फाई को देखेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नाउ डियर यू कैन सी दिस, अगर मैं बात करूं, दिस इज द मैं मतलब कहते हैं ना सरफेस पे लाइन है, ठीक है ना, और हम क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट दे रहे हैं, टॉर्क दे रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से, जब टॉर्सन हमने किया तो हुआ क्या, ये चीज हिसक के या तो यहां चली जाएगी अगर ऐसे टॉर्क किया है, और नहीं तो ये चीज हिसक के यहां चली जाएगी, और नहीं तो नीचे आ जाएगी। मैंने इस समय ऐसे टॉर्क दिया, ठीक है ना, मैंने बॉडी को ऐसे टॉर्क दिया, और ये वाली जो लाइन थी, ये जो लाइन है इस सरफेस पे, ये सरफेस से घिसक के ऊपर चली गई, ठीक है ना। सी दिस, दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज फाई एंगल, लेंथ एल है। सुनते रहना बहन, अगर मैं तुम्हें कहूं, सुनना ध्यान से, फाई एंगल चेंज होने पर, सुना, फाई एंगल के चेंज होने पर, फाई एंगल के चेंज होने पर, छोटी सी बात है, फाई एंगल के चेंज होने पर जो ये पॉइंट है यहां से यहां चला गया, ए से ए डैश पे चला गया, कोई डाउट, ये ओ पॉइंट पे है, किसी बच्चे को कोई डाउट इस फिगर में, इस फिगर में किसी बच्चे को कोई डाउट, बेटा ये एंगल क्या है, तुम फटाक से कहोगे ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। देखो अगर किसी बच्चे को इस फिगर में कोई डाउट हो तुरंत बताओ, इज देयर एनी डाउट इन दिस फिगर, इज देयर एनी डाउट इन दिस फिगर, बताओ, नहीं ना। चलो बेटा इसका नाम कुछ रख दूं, इसका नाम ओ डैश रख दें, बेटा मैं ओ डैश ए ए डैश बना रहा हूं, ठीक है ना, या ओ डैश ए ए डैश देख लेते हैं, आओ O dash, A, A dash, ये एंगल ठीक है, ये है ना, सेम टू सेम बनाया मैंने ये वाला, ठीक है। सर अगर मैं बात करना चाहूं कि इसमें मान लो इतना रेडियस स्मॉल r है, और मान लो पूरा रेडियस है कैपिटल आर, सुनना, मैंने दो सेक्शन कंसीडर करने, स्मॉल आर पे एक सेक्शन आया, स्मॉल आर पे एक सेक्शन आया, सुनिएगा, स्मॉल आर पे एक सेक्शन आया जिसका नाम पड़ गया सी सी डैश, लेट अस सपोज इसका नाम सी सी डैश पड़ गया, ठीक है, और कैपिटल आर पे एक सेक्शन आया जिसका नाम पड़ गया ए ए डैश, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये बताओ स्मॉल आर से कैपिटल आर हो गया, द रेडियस विल बी चेंज, क्या थीटा चेंज हुआ, मेरा क्वेश्चन है
इफ द स्मॉल आर इज चेंज, क्या थीटा चेंज हुआ? स्मॉल आर चेंज हुआ तो क्या थीटा चेंज हुआ, जल्दी बताओ। नो, नहीं, नेवर, कभी नहीं, ठीक है ना। स्मॉल आर चेंज होगा तो थीटा चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। सी दिस, तो स्मॉल आर चेंज तो थीटा इज नॉट चेंज। तो स्मॉल आर रेडियस मैं लिख देता हूं, रेडियस चेंज बट थीटा सेम। मतलब आर चेंज होता रहा, आर वेरी करता रहा, थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब थीटा आर पे डिपेंड ही नहीं करता, थीटा आर पे डिपेंड ही नहीं करता, मतलब थीटा इज इंडिपेंडेंट टू आर। इस लाइन का मतलब क्या निकला, इस लाइन का मतलब निकला थीटा इज इंडिपेंडेंट टू आर। थीटा इज इंडिपेंडेंट टू रेडियस आर। थीटा क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो थीटा इंडिपेंडेंट है तो थीटा डिपेंड किस पे करता है फिर? सी दिस, अब थीटा चेंज कैसे होगा, समझो मेरी बात। अच्छा बेटा ये बताओ, जो ये ओ ए डैश है, मेरा मन किया आज कुछ तूफानी करते हैं, मैंने फिर उठाया पेन और ये ओ ए डैश को थोड़ा और ऊपर घिसका दिया, ठीक है ना। अब बताओ थीटा चेंज हो जाएगा क्या, बता दो बेटा। मैंने ए डैश ये है, मैंने अब ये बी पे कर दिया, ठीक है ना, मैंने बी पे कर दिया, क्या ये थीटा चेंज हो गया क्या? यस, थीटा विल चेंज। अगर मैं ये चीज को और ऊपर करूं, ये फेस को और ऊपर कर दूं, तो यहां से आप देखोगे थीटा चेंज हो जाएगा। मैं किसको कर रहा हूं ऊपर सर? ये एल लेंथ के लाइन को आप ऐसे 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 ऊपर कर रहे हो, तो थीटा क्या हो रहा है, सेक्शन में चेंज हो रहा है। तो थीटा किसको चेंज करने पर कर रहा है, लेंथ को, किसी शाफ्ट के सरफेस को ट्विस्ट करने पर, ए डैश से बी पर ले जाने पर थीटा चेंज हो जाता है। थीटा चेंज कब होगा, जब ए ए डैश से आप बी पे लेकर जाओगे, मतलब एल लेंथ के शाफ्ट को और ट्विस्ट कराओगे, थीटा चेंज होगा, ठीक है ना। नाउ तो थीटा इज इंडिपेंडेंट टू रेडियस बट थीटा इज ए फंक्शन ऑफ लेंथ। क्यों, लेंथ का क्यों फंक्शन है? अरे यार तुम लेंथ चेंज करो, थीटा चेंज हो रहा है, दिख नहीं रहा, लेकिन रेडियस चेंज करोगे थीटा चेंज हो रहा है, नहीं। तो थीटा इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ। मैंने क्या बोला था कि आऊंगा, मैं आऊंगा और मैं बोलूंगा कि थीटा का लेंथ से रिश्ता है, लेकिन तुमने तो बोला सर एंगल ऑफ ट्विस्ट तो रेडियस पे होता है। ना ना ना, होता इंडिपेंडेंट होता है वो रेडियस से, होता भले क्रॉस सेक्शन पे लेकिन इंडिपेंडेंट होता है वो रेडियस से, उसको नहीं मतलब है। ऐसे ही सेम सियर स्ट्रेन किस पे डिपेंड करता है, आर पे, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। ये याद रहेगा, अब ये बात आपको जीवन भर याद रहेगी, लेकिन आपको जीवन भर याद रहेगा कि सियर स्ट्रेन होता तो सरफेस पे है लेकिन वो रेडियस से रिलेशन है उसका। ऐसे ही थीटा होता तो क्रॉस सेक्शन पे लेकिन उसका लेंथ एल से, सरफेस से उसका चेंजिंग। ये बात आपको याद रहेगी, ठीक है ना, ये बात आपको याद रहेगी। चलो फाई वाला भी करके दिखा देता हूं, नहीं तो कहोगे सर आपने फाई वाला नहीं समझाया। आओ फाई वाला भी समझ, फाई वाला समझ लेना, फाई वाला समझ लें, कोई दिक्कत नहीं यार। तुम डिफरेंट डिफरेंट पे देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट उस पे एंगल पे चेंज करते जाओगे, फाई अलग अलग चेंज होता चला जाए, फाई अलग अलग चेंज होगा। जैसे देखो अगर मैं कहूं ये ऐसे, ठीक है ना, और
मैंने कहा एक काम करो, एक बार यहां और एक बार इस रेडियस पे, इस रेडियस पे, इस रेडियस, इस रेडियस से फाई देख ली। नहीं नहीं ऐसे नहीं समझोगे, अभी ऐसा समझो है ना, और मैं कहूं इस रेडियस से फाई देख ली, फाई चेंज ठीक ना। एक बार रेडियस तुमने आधे पे देखा, एक बार पूरे पे देखा, तुम्हारा फाई क्या हो गया, फाई बढ़ गया। ये फाई वन था, फाई टू, फाई इज इंडिपेंडेंट टू लेंथ एंड फाई इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। बेटा दिस इज द स्मार्ट अप्रोच, ये स्मार्ट अप्रोच की निशानी है कि थीटा इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ। एक काम करते हैं, हम यहां हैं ही तो इसको बढ़िया से एक ब्लॉक में क्यों ना बनती है। फाई इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ। सर इससे क्या होगा, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा, मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, अभी बाद में आएंगे। सी दिस द क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला एक शाफ्ट है। जी सर शाफ्ट है, फिर एक शाफ्ट है और इस शाफ्ट में दो पॉइंट है, ए है और बी। फिर बोला ए तक का लेंथ 2 मीटर है, उसका थीटा 2.6 है। कह रहा बी पॉइंट पे थीटा बताओ, वहां का लेंथ 1 है। वी नो दिस, थीटा इज ए फंक्शन ऑफ लेंथ। थीटा होता तो आर पे, लेकिन फंक्शन लेंथ का होता है। तो डियर थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू एल 2 अपॉन L2। See this. So dear, you can see this. Theta A is 2.6 degree divided by theta 2. So 2 nahi, B is equal to 2 by 1. So theta B aap aaram se nikal sakte. Clear? Clear? Kitna aayega? Divided to 1.3. अंडा समझ में आया, ये क्वेश्चन कैसा बन सकता है? थीटा दिया होगा, लेंथ दिया होगा, दूसरा थीटा पूछ रहा होगा, ऐसे ही फाई में भी क्वेश्चन पूछ रहा होगा ठीक ना। तो ये एक रिलेशन मैंने आपको बता दिया ठीक है। क्लियर, क्लियर है, क्वेश्चन भी क्लियर है, क्वेश्चन भी क्लियर है ठीक है। नाउ तो आई थिंक आप मेरा कहना सुन गए होगे ठीक है ना, कि टॉर्सन का मतलब होता है ट्विस्टिंग करना, सियर फोर्स लगाना, पैरेलल फोर्स लगाना। जब मैंने पैरेलल फोर्स लगाया तो कपल का जनरेशन हुआ, और वहां मुझे दो चीजें दिखी, सियर स्ट्रेन और एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट क्रॉस सेक्शन पे और सियर स्ट्रेन लेंथ पे। होता तो आर में है लेकिन फंक्शन उल्टा होता है, ध्यान रखिए। वैसे ये लेंथ पे होता है लेकिन फंक्शन उल्टा होता है ठीक है ना। मैं यहां लिख ही देता हूं एक बार प्यार से, फाई इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ, ठीक है, क्लियर है ना। फिर वहीं से मैंने आपको टॉर्सन सिखाया ना। अब बारी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग।
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ट्विस्टिंग और बेंडिंग में अंतर क्या है। आओ मैं आपको दिखाता हूं ट्विस्टिंग और बेंडिंग में अंतर क्या है, थोड़ा समझो। ठीक है ना, लेट अस सपोज मेरे पास ये क्रॉस सेक्शन है, एक साइड से यहां फिक्स है और ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन पे कैसा लग रहा है, अनइक्वल पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, कैसा फोर्स लग रहा है, कैसा लग रहा है डियर, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, यू कैन सी दिस, ठीक है, देखिए अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक ना। अब यहां क्या होगा बेटा, यहां एक कपल का जनरेशन होगा, लेट अस सपोज ये डिस्टेंस है हमारा डी बाई टू, सो व्हाट इज द कपल, सर कपल बनेगा पी इंटू डी बाई टू, सो दे फॉर्म ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग का मतलब क्या है आपका कि सांप के ऊपर यूं ऐसे रोटेट कराना, दैट इज ट्विस्टिंग। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है तो साठ के ऊपर अगर ऐसा साइन है, सो दिस इज ट्विस्टिंग। व्हाट इज बेंडिंग, सर बेंडिंग ऐसे होगा, दिस वन इज बेंडिंग, ठीक ना, समझते हैं। आइए जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक कपड़ा है, अब देखो इसकी ट्विस्टिंग कैसे होगी, इसकी ट्विस्टिंग ऐसे होगी, ऐसे तो होगी, ये ऐसे मुड़ा मुड़ गया मुड़ गया मुड़ गया, दिस इज ट्विस्टिंग। Now, what is the bending? Bending होते समय हमारा बॉडी ऐसे होता है और ऐसे होता है ना, hogging और sagging पढ़ा होगा, hogging और sagging पढ़ा होगा ना, ऐसे ये ऐसे होता है या तो ऐसे होता है, ठीक ना, this is bending and this is twisting, ठीक ना। So, किसी भी चीज को आप अगर bend करते हो, ठीक ना, they form bending, bending में क्या होता है बेटा, क्रॉस सेक्शन पे, वेरी गुड, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लोड अप्लाई होगा। अगर आपको बेंडिंग करना है और ट्विस्टिंग करना है तो उसमें एक डिफरेंस ये, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, ठीक है ना, ट्विस्टिंग में पैरेलल फोर्सेस लगती हैं बॉडी पे, यू कैन सी दिस नाउ, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, नाउ बेंडिंग में परपेंडिकुलर टू द, या परपेंडिकुलर सीधे देखिए, परपेंडिकुलर, ठीक ना, यहां अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लगते हैं, क्या था, परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, तब चीजें क्या होती हैं, आपस में ऐसे बैंड होती है, जैसे बीम में पड़े होगा ना, बीम में बेंडिंग, सेम वही चीज यहां भी होगा आपका, ओके, गेटिंग माय पॉइंट, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग में डिफरेंस आपका बेसिक चीज क्लियर होगा ना। अब हम बात करेंगे बेटा हाउ टू रिप्रेजेंट द टॉर्क, टॉर्क को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टॉर्क को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो टॉर्क ना दो टाइप का टॉर्क होता है, ठीक ना, दो टाइप का टॉर्क होता है, तो अगर मैं बात करना चाहूं आपका क्लॉक एंटी क्लॉक के रूप से भी देखते हो आप, तो टॉर्क को डिपेंड डिनोट करने के लिए राइट हैंड थंब रूल आपके पास पता होना चाहिए, टॉर्क को डिनोट करने के लिए राइट हैंड थंब रूल, टॉर्क को डिनोट करने के लिए राइट हैंड थंब रूल ये आपको पता होना चाहिए। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है टॉर्क को डिनोट करने का, आइए देखते हैं, बहुत शानदार तरीका है, देखें देखो राइट हैंड थंब रूल। अब थंब की डायरेक्शन, जैसे मान लो टॉर्क लग रहा है क्लॉक, ठीक ना, मान लो क्लॉक लग रहा है तो एस पे ऐसे लग रहा है, मान लीजिए ऐसा टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क अगर ऐसे लग रहा है तो हमारा थंब क्या कहता है, थंब का डायरेक्शन ही टॉर्क का डायरेक्शन होगा, ये ऐसे लग रहा है ना, थंब का डायरेक्शन ये है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क।
अगर मान लीजिए ऐसे लग रहा हो आपको, थंब का डायरेक्शन बाहर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थंब, क्लियर? द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, आप ऐसे लोगे तो अंदर, ये ऐसे लोगे तो बाहर। नाउ एक चीज बताओ, अगर तुम यहां क्लॉक डाल रहे हो तो क्या जो आपका सपोर्ट है क्या आपको क्लॉक घूमने देगा? यार मैं एक चीज पूछ रहा हूं तुमसे, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि तुम्हारा ये हाथ है, क्या मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो क्या तुम्हारा ये ज्वाइंट तुम्हें घूमने देगा इतनी आसानी से? नहीं सर, वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। तो यहां जस्ट रोकने की कोशिश करेगा, तो इधर से टॉर्क ऐसे लगेगा, लेकिन अगर इधर से टॉर्क ऐसे लगेगा तो ये कैसे होगा? अंदर की ओर, कैसे होगा? अंदर की ओर, सेम टू सेम, इसमें उधर बाहर जा रहा है तो इसमें भी बाहर जाएगा, क्लियर है? राइट हैंड थंब रूल, कभी भी टॉर्क का डायग्राम बनाना होगा, हम लोग टॉर्क डायग्राम भी बनाएंगे अभी, ठीक है? एक आध दो क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें टॉर्क डायग्राम बनाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है? तो टॉर्क डायग्राम जो होगा बेटा, वो टॉर्क डायग्राम के अंतर्गत आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना? ये राइट हैंड थंब रूल का यूज वहां हम लोग करेंगे बेसिकली, ठीक है ना? बताओ इतना पॉइंट क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे बेटा अपने टॉर्सन इक्वेशन की। ये सब तो मैंने बताया, ये देखो ये थीटा होता है, ये फाई होता है, सारी चीजें मैंने दिखाई टॉर्सन इक्वेशन की। चलो हम बात करेंगे यहां टॉर्सन इक्वेशन की, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टॉर्सन इक्वेशन अगर मैं बात करना चाहूं, प्योर टॉर्सन का इक्वेशन हमें देखने को मिलेगा बेटा। अभी इसके बारे में ना हम लोग जब मतलब क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसके अंदर ये डायरेक्शन हमें जरूरत पड़ता है, इसलिए मैंने अभी आपको ये बता दिया है कि ऐसा होता है। जब हम टॉर्क डायग्राम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब मैं आपको ये चीज फिर से याद दिलाऊंगा, टेंशन मत लो। बस आप ये याद रखना, राइट हैंड थंब रूल से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टॉर्क को, बस एक सिंबल है, दैट्स इट। टॉर्सन इक्वेशन बेटा, आप किसी भी चीज के ऊपर आप इक्वेशन डिफाइन कर रहे हो तो हम उसको क्या मानते हैं कि किसी शाफ्ट के ऊपर, जैसे हम टॉर्सन इक्वेशन लिख रहे हैं तो हम मानते हैं कि किसी शाफ्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। टॉर्सन, टॉर्क, 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 सिर्फ और सिर्फ शाफ्ट के ऊपर क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। टॉर्क का जनरेशन हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ टॉर्सन इक्वेशन। सो दिस इज कॉल्ड एज अ टॉर्सन इक्वेशन। गेटिंग माई पॉइंट? सो डियर यू कैन सी दिस, टॉर्क जनरेट हो रहा है, मतलब टॉर्सन जनरेट हो रहा है, मतलब टॉर्सन इक्वेशन हमें अब देखना है। देखिएगा ध्यान से, तो टॉर्सन इक्वेशन क्या होगा? प्योर टॉर्क जनरेट हो रहा है, हम समझेंगे क्या? इसको टॉर्सन इक्वेशन ना बोल के इसको हम लोग लिखते हैं प्योर टॉर्सन इक्वेशन। व्हाई वी कॉल्ड द प्योर टॉर्सन इक्वेशन सर? बिकॉज प्योर टॉर्सन दैट मीन्स कि इस बॉडी पे ओनली एंड ओनली टॉर्क विल अप्लाई, सिर्फ और सिर्फ टॉर्क अप्लाई हो रहा है, ठीक है? यहां से हमने दो चीजें सीखी हैं, क्या सीखा है? थीटा इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ, फाइ इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। थीटा इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ, फाइ इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है ना? यहां से हमने ये चीज सीखा। प्लीज एक्सप्लेन बिटवीन सीयर स्ट्रेस एंड सीयर फोर्स। वाह, एक सेकेंड, आपके इस क्वेश्चन पे मैं ताली बजाऊंगा। वाह, बहुत अच्छी क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन विशाल, वेरी गुड क्वेश्चन। जाओ अब पहली क्लास से एक बार सोम देख के रहो, स्ट्रेस और फोर्स में डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक ना? बहुत अच्छे, क्या बेहतरीन क्वेश्चन पूछा बच्चों। मैं मान के चलता हूं कि आप लोग इंजीनियर थोड़े बहुत हो, बट आप लोग क्वेश्चन पूछ के ये बता देते हो कि ना हम इंजीनियर थोड़ी ना है, हम तो अभी जस्ट 12th पास करके आए हैं,
ठीक है ना। और मैं मान के चलता हूं कि आपने मेरी सोम के 25-26 लेक्चर पढ़ लिए हैं, बट आप मेरे को बता देते हो ना, हम तो सोम जीवन में कभी पढ़े ही नहीं है। कोई नहीं, आप अपने बारे में बताते हो, ये अच्छा लगता है मुझे देखकर कि आप किस लेवल पे हो, ठीक है ना। फिर मुझे ऐसा फील होता है कि जो बच्चे सही में तैयारी कर रहे हैं ना, उनका रिजल्ट आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता स्ट्रेस और फोर्स में डिफरेंस क्या है। कुछ ऐसे हैं तो उनका गेट का तो कोई भला नहीं है, उनका अगले आने वाले 5 साल तक कुछ भला नहीं होने वाला, ये गारंटी है, ये गारंटी है, उनका अगले आने वाले 5 साल तक कोई भला नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो इसीलिए सोम के 26, 27, 28 लेक्चर चल रहा है, 27वां लेक्चर चल रहा है, ठीक है ना, मान के चलते हैं कि इतना आप पढ़ चुके हो। और नहीं पढ़े हो तो एक बार शुरू से जाकर पढ़ के आओ, एक बार फर्स्ट लेक्चर से पढ़ के आओ, ठीक है ना, ध्यान से। तो टॉर्सन इक्वेशन में मैंने आपको बताया, प्योर टॉर्सन इक्वेशन हम बात करेंगे यहां, प्योर टॉर्सन इक्वेशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा थीटा इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ एंड फाई इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है ना। नाउ तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इसका डिवाइड करूं, इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूं बेटा, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं पद्मश्री पुरस्कार दे देता हूं, इसको पद्म भूषण पुरस्कार दे देता हूं, और मैं इन दोनों को क्या करता हूं बेटा, डिवाइड कर, इन दोनों को थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, थीटा बाय पाई। तो ये फंक्शन किसका है, लेंथ का है, ठीक है ना। तो यहां एल अपॉन आर हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना। सो बेटा इधर अगर मैं फाई कर दूं, फाई बराबर थीटा आर बाई एल, या दूसरे भाषा में थीटा आर लिख दो, या आर थीटा लिख दो, आर इधर कर दिया बाई एल इधर कर दिया, फाई इधर कर दिया, फाई इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल, ठीक है। ये एक रिलेशन है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये एक रिलेशन है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन जो है ये हमारा बताता है व्हाट इज दिस, सर दिस इज द शियर स्ट्रेन, क्वेश्चन कहेगा फाइंड शियर स्ट्रेन इन शाफ्ट, शाफ्ट के अंदर शियर स्ट्रेन फाई पता करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा। शियर स्ट्रेन इन शाफ्ट फाई इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल, डन है। अच्छा सर थीटा किस में लेंगे बेटा, थीटा मल्टीप्लिकेशन पे जाओगे तो थीटा रेडियन में लोगे, ध्यान से, थीटा किस में लोगे, थीटा किस में लोगे, रेडियन में लोगे, एंगल में नहीं लोगे, सर टॉर्सन इक्वेशन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए है सिलेबस में, यस सुमित, ओनली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, ओनली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। चलो सो डियर हमने प्योर टॉर्सन इक्वेशन अभी बता रहे हैं, प्योर टॉर्सन इक्वेशन तुरंत नहीं लिख दूंगा मैं, ठीक है ना, लिखने से पहले कितने झाम है इसको समझो। तो लिखने से पहले हमारा पहला पॉइंट तो हमने ये क्लियर किया आपका, ये होता है, फिर दूसरा पॉइंट ये क्लियर किया, फिर तीसरा पॉइंट यहां से ये निकाल, अभी प्योर टॉर्सन इक्वेशन पे नहीं जाएंगे, इक्वेशन क्या होता है अभी बाद में बताएंगे, वो बाद में बताएंगे अभी नहीं। अच्छा अब इस शाफ्ट के ऊपर हमें कुछ एजम्पशंस मानने पड़ेंगे, मैंने क्या बोला एजम्पशंस इज द स्मार्ट अप्रोच, एजम्पशंस इस शाफ्ट के ऊपर हमें कुछ एजम्पशंस मानने पड़ेंगे, और उन्हीं एजम्पशन से हमारे सारे क्वेश्चंस आसान होंगे। तो पहला एजम्पशन जो कि यूनिफॉर्म एजम्पशन है पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, कि मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, ठीक है ना, मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, मटेरियल क्या है बेटा, होमोजीनियस है एंड आइसोट्रॉपिक। अच्छा जो लोड लग रहा है, जो टॉर्सन अप्लाई हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, हम जो ये टॉर्सन इक्वेशन लिख देंगे इस शाफ्ट के ऊपर, जो हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, हम कहां तक कर रहे हैं, हम टॉर्क वहीं तक अप्लाई कर रहे हैं, उसकी एक लिमिट है,
टॉर्क हम वहीं तक अप्लाई कर रहे हैं जितने पर हाथ हटा लें, लोड हटा दें तो वापस आ जाए। दैट मीन्स इलास्टिक लिमिट तक ही टॉर्क अप्लाई करेंगे, तभी हम एजम्पशन देख पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, बॉडी टूट जाएगा। डिफॉर्म होने वाले बॉडी पर कैसे इक्वेशन देखोगे? लोडिंग एज विद इन इलास्टिक लिमिट, लोडिंग एज विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, ठीक है ना। अच्छा सर, इस पूरे कैलकुलेशन में क्या शाफ्ट का वेट मैं कंसीडर करूंगा? नो। आप एजम्पशन में एक और एजम्पशन मानो, वेट ऑफ शाफ्ट एज नेग्लिजिबल। शाफ्ट का वेट क्या मान लिया हमने? नेग्लिजिबल मान लिया। शाफ्ट का वेट क्या है? नेग्लिजिबल, ठीक है, ध्यान रखिए। नाउ बेटा एक लास्ट मानूंगा कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट जो होगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा। देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है, ये है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड दिस इज क्रॉस सेक्शन। तो जैसे मान लो शाफ्ट का कोई क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर होगा, ये होगा, ठीक है ना। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। यू कैन सी दिस ठीक है बेटा। स्ट्रेस और फोर्स में आप डिफिनीशन पूछ रहे हो, आप डिफरेंस पूछ रहे हो, मेरे सोम की पहली क्लास जाकर आप देख लो, मैंने यही बताया है, यही तो कह रहा हूं मैं आपसे, क्या कह रहा हूं कि आज आप 26वें क्लास पे आकर आप पहली क्लास का पूछ रहे हो, ठीक है ना, ये तो फिर गलत है ना। तो आदमी यहां पढ़ा रहा है, वही बात हो गई ना कि इंडियन क्रिकेट टीम पूरा ग्राउंड में एकदम वर्ल्ड कप फाइनल में खेल रही है, अब बीच मैदान में जाकर कूद के धोनी को जाकर हाँ सिग्नेचर दे दीजिए, धोनी क्या कहेगा, क्या कहेगा आपसे? पहले खेलेगा कि पहले आपका साइन करेगा? तो यहाँ खेले पहले पढ़ा लूं कि मैं पहले आपके वो वाले डाउट बताऊं जो आपका फर्स्ट चैप्टर में मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, और आपने ऐसा कोई डाउट नहीं पूछा जो मैं हवा में बोल दूं कि हाँ स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और फोर्स फोर्स होता है, समझ जाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये इतना बड़ा डिफरेंस है जिसको समझने के लिए आपको पूरा 3 घंटा देखना पड़ेगा लेक्चर को, समझ में आया? इसीलिए नहीं बताया, 5 मिनट में डाउट बताने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं बता दूंगा, बट 5 मिनट में आप 3 घंटे की चीज समझ जाओ तो मैं बता दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्वेश्चन इतना बेसिक लेवल का है कि अगर उसको मैं इतने आसान भाषा में समझा दूं तो हो सकता है कि आप उस चीज को डिटेल मैनर में कभी देखो ही ना, ठीक है ना। तो किसी टीचर के बोलने के पीछे ना 100 बातें छुपी होती हैं, ठीक है ना। इस चीज को समझा करो, इसको मतलब गुस्से में मत समझा करो कि अरे उसने नहीं बताया, ठीक है ना। तो ये सब चीजें मत लिया करो, पहली पॉइंट, पहला पॉइंट ये है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इन सब चीजों को ना दिमाग मत लिया करो कि मतलब माइंड में ले लिया, मेरे को डांट दिया, तो इंजीनियर किस काम के हो? जब तुम्हें बुरा लग गया तो इंजीनियर किस काम के हो तुम? कौन सा ऐसा इंजीनियर जिसकी इज्जत है?
जब तक जॉब नहीं लग जाती, जब तक शादी नहीं हो जाती, तब तक तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, याद रखियो, ठीक है ना। तुम्हें लगता होगा लेकिन है नहीं, सच्चाई बता रहा हूं, जाना इंटरव्यू देने, पता चलेगा, ठीक है ना। तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं इसरो का, बार्क का, इसका उसका सबका इंटरव्यू निकाल के चला जाऊंगा, बहुत इज्जत से बात करेंगे, आइए मालिक बैठिए, आप क्वेश्चन का जवाब देंगे कि नहीं, जाकर देखो ना, रिजल्ट निकालो। तुम गवर्नमेंट का क्लास ए ऑफिसर का निकाल के देखो ना, आईएएस के इंटरव्यू में देखो तुम्हारी कैसी बेइज्जती करता है, फिर तुम बोलना मेरे को डांटा, मैंने तो प्री और मेंस निकाला है, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन का ही तो जवाब नहीं दिया, फिर वो बताएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखियो, अगर इतना ही वो लग जाता है ना कि मेरे को क्यों नहीं बताया, तो अभी सब समझ में आएगा, जीवन तो तुम्हारा पूरा बाकी है बेटा, क्यों परेशान, व्हाई, अभी तो जीवन पूरा बाकी है, अभी तो शुरुआत की हो जीवन की, ठीक है ना, अभी तो शुरुआत की हो, जिस चीज में तुम अभी कर रहे हो वो चीज मैं 2009 में करके बैठा हूं, एंड दिस इज 2021 एंड, 2022 आने वाला है, आर यू गेटिंग, 13 इयर्स, 13 साल हो गए इस बात को, ठीक है ना। इसीलिए कह रहे होता क्या है कि जब भी हमें कोई चीज जाननी होती है ना, कोई कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मान लो कि फोर्स दिया है और एरिया दिया है, और क्वेश्चन बोल रहा है स्ट्रेस बताओ, कोई टीचर आया बोला बेटा स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया, फिर बच्चा को सोचता है कि हो गया सॉल्व, और फिर उसके पीछे जाता ही नहीं है। मतलब अगर मैं किसी चीज को आसान से बता दूं ना चुटकी में, लो ऐसे, तो तुम उसके पीछे जाओगे ही नहीं। कहने का मतलब है कि अगर तुम मेरी कोई हैकिंग देख रहे हो तो तुम डिटेल नहीं पढ़ोगे, और जब तक तुम बेसिक नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम्हें इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब नहीं पता चलेगा, तब तक नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। यहाँ तो एरिया का भी मतलब होता है, कौन सा एरिया लेना है, तुम जाके देखो ना, मैंने कम से कम आधा घंटा तो यही बताया, एरिया कौन सा लेना है ना। चलो जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मटेरियल क्या होगा, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, देखो जो सच्चाई है वो मैंने बोला है, ठीक है ना, ये मैं अपना ही नहीं बोल रहा हूं, तुम इस YouTube चैनल पे कहीं भी अगर कोई टीचर एक्सपीरियंस्ड होल्डर है ना, हर टीचर तुम्हें टोकेगा यही बात पे, हर टीचर यही बोलेगा कि बेटा जाकर पहला लेक्चर देखो, ठीक है ना, बोलेगा ही। अब वो ऐसा तो है नहीं कि बैठ के, हाँ अगर मेरे को सिर्फ उतना ही आता कि स्ट्रेस पर फोर्स अपॉन एरिया, बता दो भाई फोर्स अपॉन एरिया होता है स्ट्रेस, बस फिर तुम सर्च भी नहीं करते, तुम सोचते हो गया, आ गया, तुम्हारा दिमाग बोलता हो गया तैयार, समझे बात। तो डिटेल में जितना जा सकते उतना जाओ, उतना सीखो चीजों को, तब सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं होगा कि वन लाइनर पढ़ लिए, पहले के जमाने में होता था, मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं 2013-14 में पढ़ाता था ना, 2014 में, तो उस समय एक प्रथा चलती थी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आरएस खुरमी की किताब रट लो, हो जाएगा सिलेक्शन। अरे मैंने मना किया, फिर भी कुछ बच्चे नहीं, रट्टा मारना है मारना है मारना है, उस समय मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मेरे को तो रटना ही है, आरएस खुरमी ही रटना है, रट लो। आज तक कुछ नहीं कर पाए वो जो रट्टा मारते रह गए वन लाइनर्स क्वेश्चन को, क्यों, क्योंकि जो वन लाइनर्स क्वेश्चन को जब मैं पूछता था ना कि बताओ सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन किस बीम में, तुरंत हाथ उठाते थे, ओवर हैंगिंग बीम, हमने कहा बताओ क्यों, सर पता नहीं, याद किया था, पता नहीं, मतलब आपको इसके पीछे का मतलब नहीं पता। जब तक आपको किसी चीज के पीछे का मतलब नहीं पता चलेगा, जब तक आप उसको डिटेल में नहीं देखोगे, तब तक तो आप ऐसे ही बैठे रहोगे हाथ पे हाथ धीरे, चाहे आप 5000 रट्टा मार लो क्वेश्चन की, चाहे 10000 क्वेश्चन रट लो, ठीक है ना। आजकल कुछ बच्चे यूथ पब्लिकेशन का 50-50 हजार, 1-1 लाख क्वेश्चन का किताब लेके आ जाता, पता नहीं बेकार बेकार सा क्वेश्चन कुछ भी किए जा रहे हैं, ठीक है ना। मैंने एक दिन समझाया था, क्वालिटी टाइप पे मत जाओ, क्वांटिटी टाइप पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ, क्वालिटी टाइप ऑफ क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इतने प्यारे प्यारे आवाज आ रही है, इतना प्यारा प्यारा मैं आ रहा हूं, चलो छोड़ो, एजम्पशंस की बात कर, छोड़ो छोड़ो ना, हाँ ये हमारा क्या हो गया, एजम्पशंस ना। अगर मैं यहां बात करना चाहूं डियर, एजम्पशन में ये चार एजम्पशन मैंने अभी इनिशियली मान लिए हैं, ठीक है ना। दो चीजें मैंने यहां माना था, ये एजम्पशन नहीं था, ये सीधा रूल है, टॉर्सन इन शाफ्ट में थीटा फंक्शन ऑफ लेंथ, फाई फंक्शन ऑफ आर्क, यहां से शियर स्ट्रेन, ये
ये और ये एजम्पशन, ये चार मैंने यहां कंसीडर किया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक में, नहीं है ना? ठीक है ना सर, यहां एक लाइन लिखा है, मैंने क्या लिखा है सर, ये सेकेंड लाइन पढ़िए, लोडिंग इज विद इन इलास्टिक लिमिट, लोडिंग इज विद इन इलास्टिक लिमिट, लोडिंग इज विद इन इलास्टिक लिमिट। बेटा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हुक्स, आपको याद होगा, ये भी पढ़ाया हुआ है हुक्स लॉ, पढ़ाया हुआ हुक्स लॉ, उसने कहा था स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक ना? तो बेटा यहां सियरिंग हो रहा है, तो सियर स्ट्रेस डायरेक्टली बोलो सियर स्ट्रेन क्या होगा, सियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सियर स्ट्रेन, तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, यस और नो? बेटा आप हम सभी जानते हैं टाउ इज इक्वल टू, यहां जी आ जाएगा सियर मॉडुलस, ये इससे पहले भी पढ़ा चुका हूं, ठीक ना? ये ना बोलियो कब पढ़ाया, तो और सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में पढ़ाया है बेटा, सियर स्ट्रेन फाइव बराबर आर थीटा वाई एल होता है, सुना है? हाँ सर, इसको ये है ना फ्रॉम इक्वेशन थ्री, फ्रॉम इक्वेशन थ्री टाउ इज इक्वल टू जी, यहां होगा फाइव बराबर आर थीटा वाई एल, किसी को कोई दिक्कत? अरे काहे की दिक्कत यार, सी दिस सर, मैंने क्या सर यहां से कुछ चीज समझ में आई, मैंने क्या भाई पहला क्लियर करते हैं, यहां से कुछ समझ में आया है, क्या समझ में आया सर? सियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है ना? फ्रॉम इक्वेशन फोर सियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, सियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक ना? अगर सियर स्ट्रेस की बात करूं तो सियर स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब यहां मैं लिख सकता हूं सियर स्ट्रेस इज लिनियरली वेरी विथ रेडियस, सियर स्ट्रेस इज लिनियरली वेरी विथ रेडियस, सियर स्ट्रेस इज लिनियरली वेरी विथ रेडियस, रेडियस के सियर स्ट्रेस जो है लिनियरली वेरी कर रहा, ठीक है ना? अरे लिनियरली वेरी विथ रेडियस, जैसा आप देखोगे शाफ्ट के ऊपर, यही बना देता हूं, जैसे मान लो ये शाफ्ट, लिनियरली वेरी कर रहा है, ठीक ना? एट सेंटर सियर स्ट्रेस जीरो, एट एक्सट्रीम फाइबर सियर स्ट्रेस मैक्स, देखो ऐसे तो वेरी कर रहा है लिनियरली, लिनियरली वेरी, तो एट सेंटर जब हमारा सियर स्ट्रेस बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब रेडियस बढ़ेगा, जब सियर रेडियस घटेगा सियर स्ट्रेस घटेगा, रेडियस जीरो सियर स्ट्रेस जीरो, अरे आर जीरो कर दिया, टाउ जीरो हो गया ना पूरा पूरा जी, हमारा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा सियर स्ट्रेस का। सर इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है सियर स्ट्रेस इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस, सियर स्ट्रेस इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस, व्हाई फंक्शन ऑफ रेडियस? बिकॉज सर द लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज फिक्स, थीटा इज फिक्स, जी ऑफ द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट इज फिक्स,
So tau is directly proportional to r. Tau is the function of radius. Tau is the function of radius. ये चीज हमारा यहां से clear. बोलो बोलो, ये चीज clear है? अगर ये चीज क्लियर है मेरे बच्चे, ये चीज क्लियर हो गया. फ्रॉम इक्वेशन फोर, फिर से लिखता, फ्रॉम इक्वेशन फोर, टाउ इज इक्वल टू जी आर थीटा बाई एल. देखो जी आर थीटा बाई आर को इधर कर दूं, टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल. Tau by R is equal to G theta by L. बोलो हाँ या ना, ठीक है ना. तो ये equation 4 के बाद ये equation 5. ये सब पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है इनको equation के जगह पे. Equation के नाम पे पद्मश्री पुरस्कार मिलता है इनको, ठीक है. चलो तो tau by R is equal to G theta by L हो गया सर. ओके सर, डन सर. तो एक तो रिलेशन आ गया टॉर्सन इन शाफ्ट का. आपको क्या लगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा. आपको क्या लगा, डायरेक्ट लिख दूंगा. डेरिवेशन हो रहा है, टेंशन ना लो. डेरिवेशन आएगा एग्जाम में, इसलिए लिख रहा हूं. प्योर टॉर्सन इक्वेशन का यही शुरू करना, ये कोई नहीं लिखता है. इससे सबसे ज्यादा जरूरी है अगर पाई पता चला, फिर एजम्पशन, फिर ये, फिर यहाँ एजम्पशन से वैल्यू रखा, फिर ये खत्म नहीं हुआ अभी. अभी तो एक हिस्सा आया है डेरिवेशन, ठीक है ना. अब अगर मैं बात करना चाहूं, जैसे कोई शाफ्ट है, ठीक है ना, कोई शाफ्ट, ये हमारा शाफ्ट है, ये हमारा शाफ्ट, ठीक है. अब इस शाफ्ट का एक क्रॉस सेक्शन है, दैट इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. अगर मैं इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को अलग से बनाऊं, सी दिस, दिस इज माय सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट. अच्छा, अब इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में मैंने क्या किया, एक एलिमेंट कट किया, ठीक है ना. क्योंकि अब ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये शाफ्ट का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है. अब इसके अंदर एक एलिमेंट पहले कट कर लेते हैं. कट क्या करना, बना देते हैं, ठीक. मैंने एक एलिमेंट बना दिया इस शाफ्ट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं. अब सुनो, ये सही है, मैंने एक एलिमेंट कट कर दिया, ठीक है ना, ध्यान से. अब मैं कह रहा हूं बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज द सेक्शंस. नाउ अब यहां जो है बेटा, यहां हमारा सीयरिंग लगेगा. यहां हमारा क्या लग रहा है डियर, यहां हमारी शीयरिंग लग रही है, ठीक है ना. दिस इज व्हाट, सीयर स्ट्रेस टाउ, दिस इज सीयर स्ट्रेस टाउ. अब इसके ऊपर ये सीयरिंग लग रही है, टक 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 टक, यहां देखते रहो ध्यान से. अच्छा, अगर मैं कहूं इस एलिमेंट का रेडियस आर है, अगर मैं कहूं इस एलिमेंट का रेडियस आर है, ठीक है ना, और एलिमेंट की जो मोटाई है
दैट इज डी आर, चलेगा? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं ना? जल्दी बता दो, फिगर एकदम क्लियर है? फिगर दिख रहा है कि थोड़ा बड़ा कर दूं? फिगर दिख रहा है कि थोड़ा बड़ा कर दूं? सब क्लियर है? जल्दी बताओ, ठीक है ना? अब अगर मैं कहूं इस स्ट्रिप का, ठीक है ना, एरिया जिसको हम एलिमेंटल एरिया कहेंगे, दैट इज डी ए, डी ए क्या होगा? डी ए होगा इसका परिधि 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस इंटू डी आर, तो सच बताना कितने बच्चों को ये 2 पाई आर डी आर नहीं समझ में आता है? ये 2 पाई आर डी आर नहीं समझ में आता, तुरंत बता दोगे? किसी बच्चे को नहीं आता तुरंत बता दोगे? मैं बता देता हूं क्या है, ये जो स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप को खोल के बड़ा कर दिया है और कुछ नहीं किया है, बस स्ट्रिप को खोला है, पकड़ा है और खोल खींच के बड़ा कर दिया है, ठीक ना? जब खींच के बड़ा किया है, सो दिस इज 2 पाई आर, ठीक है ना? और इसकी मोटाई कितनी मानी है? अभी हमने मोटाई मानी है डी आर, सो द एरिया ऑफ दिस इज 2 पाई आर इंटू डी आर। अरे भाई रेक्टेंगल के जैसे बना दिया ना, पकड़ खींच दिया, रेक्टेंगल बना दिया, 2 पाई आर इसका सर्कमफ्रेंस, तो उसकी लेंथ हो गई 2 पाई आर इंटू मोटाई 2 डी आर, लेंथ इंटू विड्थ दैट इज 2 पाई आर इंटू डी आर, सो द एरिया स्ट्रिप एरिया डी आर डी ए, ओके ना? सर क्यों कर रहे हो इतना, क्या रीजन है? सो डियर एलिमेंटल एरिया आ गया, ठीक है ना? एक काम करते हैं, एलिमेंटल फोर्स निकालते हैं, ठीक है ना? हम एलिमेंटल फोर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एलिमेंटल फोर्स df बराबर tau into df, df बराबर tau into da। Now what is the elemental torque? Elemental torque क्या होगा? dt बराबर df into r। Elemental torque क्या generate होगा? df इंटू आर, ठीक है? देखो डी एफ बराबर टाउ इंटू डी ए, सीयर स्ट्रेस इंटू एरिया, और क्या? फोर्स बराबर सीयर स्ट्रेस इंटू एरिया, तो भाई ये फोर्स तो सीयर स्ट्रेस वाला फोर्स है ना, तो टॉर्क क्या हो गया? सीयर फोर्स इंटू रेडियस, तो सीयर फोर्स की जगह टाउ इंटू डी ए आर। ना बेटा वी नो दिस, tau is equal to g r theta by l, we know this, tau is equal to g r theta by l into r into da, this is dt, okay? Now dear you can see this, थोड़ा ध्यान से देखना, tau की जगह g r theta by l रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को लग रहा है, ठीक है ना? अब हम यहां से क्या करेंगे? टॉर्क निकालेंगे अपना। नहीं बेटा हम एसएससी जेई का नहीं पढ़ा, ठीक है ना? हम क्या करेंगे यहां से, जी थीटा बाई एल आर स्क्वायर डी ए, अब अपन क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, अपन क्या करेंगे? दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, जब ही इंटीग्रेट करेंगे डी टी बन जाएगा g थीटा बाई एल, और आपको और हमको सबको पता है r स्क्वायर डी ए इज नथिंग बट दिस इज द सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया, दिस इज द सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया, मैकेनिक्स में पढ़ाया है फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया होता है r इंटू डी ए, एक बार और मूवमेंट लोगे तो रेडियस से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज द सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया, ठीक है?
here is r square da second moment of area. कितने बच्चे को नहीं पता है, नहीं आता है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालने? कितने बच्चों को नहीं आता, जल्दी जल्दी बताओ. आर स्क्वायर डी ए, दिस इज द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया इन रेडियल डायरेक्शन. कितने को नहीं पता है, सच सच बताओ. यार देखो, उसका नाम सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है. एरिया का मोमेंट क्या होता है सर? एरिया का मोमेंट होता है एलिमेंटल एरिया इंटू रेडियस. एलिमेंटल एरिया इंटू रेडियस, दिस इज द मोमेंट. अरे भाई, एरिया इंटू रेडियस, दिस इज द मोमेंट ना, मोमेंट ऑफ एरिया. एरिया का मोमेंट ले लिया. अच्छा, एक बार और एरिया का मोमेंट लेते हैं. तो मतलब ये जो आया, इसमें एक बार और रेडियस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरी बार मोमेंट लिया. इसीलिए हम इसको कहते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया. ठीक है ना, दूसरी बार ले लिया. सो दिस इज द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया एंड द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया इज ऑल्सो नोन एज what? Polar moment of inertia. T is equal to G theta upon L into IP. Polar moment of inertia. इसको इधर कर दो. T upon IP is equal to G theta by L. इसको भी पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा जाए. इक्वेशन 5 था, ये इक्वेशन 6 हो जाएगा, है ना. पद्मश्री पुरस्कार इसको भी मिल गया. ठीक है ना, इसको भी पद्मश्री पुरस्कार मिल गया. आपको तो पता ही है. ठीक है ना, रेडियल डायरेक्शन हुआ इसीलिए. हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 5, एक सेकेंड, कहाँ गए? फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, from equation 5 and 6, क्या था वहां? था tau by r is equal to g theta by l. यहां है t by IP g theta by L. पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप IP से और J से डिनोट करते हैं. या तो आप IP लिख दीजिए, तो IP, P फॉर पोलर, I फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो आएगा tau by R. यहां से एक इक्वेशन बन के आ जाएगा. यहां से एक इक्वेशन बन के आ जाएगा T by J, tau by R, G theta upon L. Getting my point? तो ये derivation है इसका पूरा. ठीक है, T by J, tau by R, G theta upon L. अच्छा, अब एक बच्चे ने पूछा सर polar moment of inertia क्या होता है. तो polar moment of inertia का भी कहानी है ना. polar moment of inertia जो होता है बेटा, हम लोग mechanics में पढ़ते हैं, बता देते हैं. अभी इसके बारे में अलग से भी पढ़ाऊंगा. अभी आई पी बराबर, जिसको हम आई जेड जेड भी कहते हैं, आपको याद होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपने पढ़ा था. मैं कंसीडर कर लेता हूं कि आपने ये पढ़ा है. ठीक है ना, ये हमारा होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है ना, किसी भी प्लेन पे अगर आपका, जैसे मान लो कोई शाफ्ट है, is there any shaft?
ठीक है। अब ये 60 पे हमारे दो एक्सिस, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है, ठीक ना। दिस इज एक्स एक्स, दिस इज वाई वाई, एक्स एक्स वाई वाई। अच्छा, हमारा शाफ्ट अगर ट्विस्ट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, अगर हमारा शाफ्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इफ आवर शाफ्ट इज रोटेट, तो रोटेट किस एक्सिस के अबाउट कर रहा है, जेड एक्सिस के, किसके, जेड। जैसे हमारे घर में फैन है, सीलिंग फैन, आपने देखा होगा सीलिंग फैन जब रोटेट करता है तो किस एक्सिस के, जेड एक्सिस के, ठीक ना। सीलिंग फैन जब रोटेट करता है तो किस एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट हमारा साथ रोटेट करता है। तो अगर जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो जेड का एक्सिस जो है उसका प्लेन क्या है, एक्स और वाई। तो इसीलिए जेड के एक्सिस पे जो प्लेन है वो एक्स भी है और वाई भी, इसीलिए इन दोनों का सम जो होता है ये वाला मोशन कहलाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, तो आई जेड जेड होता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होता है, ठीक ना। ये हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब इसके बारे में बात करेंगे ना। अभी कुछ चीजें और प्लान करना है। ये हमारा आ गया बेटा, व्हाट इज दिस, दिस इज द इक्वेशन नंबर 7, दिस इज कॉल्ड प्योर टॉर्सन इक्वेशन, प्योर टॉर्सन इक्वेशन। टी होता है टॉर्सन, आई हो गया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ हो गया शियर स्ट्रेस, आर हो गया रेडियस, जी आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा हो गया एंगल ऑफ ट्विस्ट, एल हो गया लेंथ ऑफ शाफ्ट, सब बता दिया ए टू जेड, सारी चीजें समझा दी, ठीक है ना। नाउ अब अगर मैं यहां से क्वेश्चन पूछूं आपसे, यहां देखना, यहां उसकी बात हुई थी कि सियर स्ट्रेस, सियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, सियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सियर स्ट्रेस, यहां लिख देता, थोड़ा ध्यान, सीयर स्ट्रेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इंजीनियरिंग का सबसे खतरनाक उपयोग होने वाला है, देखिएगा आप रियल इंजीनियर कब कहलाते, अभी देखना सब समझ में आएगा। दिस, अगर मैं इसमें सीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम खींचूं, अभी देखना क्यों खींच रहा हूं, समझ में आएगा, देखना इंजीनियरिंग का कितना बड़ा उपयोग हुआ। दिस इज द सियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर ए सॉलिड शाफ्ट, सीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर सॉलिड शाफ्ट। डियर यू कैन सी दिस, अगर मैं यहां बात करना चाहूं, टाउ इज जीरो, टाउ इज मैक्सिमम, टाउ इज मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम है अपर एंड लोअर में, और यहां सेंटर पे गए टाउ जीरो है, यू कैन सी दिस, यहां टाउ जीरो, यहां मैक्सिमम, वहां मैक्सिमम। नाउ फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए अगर मैं बात करना चाहूं,
सेंटर पे, एट सेंटर शियर स्ट्रेस क्या है? जीरो है. एट सेंटर द सॉलिड शाफ्ट, एट सेंटर सॉलिड शाफ्ट एट सेंटर शियर स्ट्रेस क्या है बेटा? जीरो है. शियर स्ट्रेस क्या है? जीरो है. ठीक है ना, यू कैन सी दिस. तो मेरा क्वेश्चन अब ये है कि बेटा अब ये बताओ कि अगर मैंने एक सॉलिड शाफ्ट बनाया बहुत मोटा सा शाफ्ट और उसमें बीचों बीच यहां शियर स्ट्रेस लग ही नहीं रहा है, तो अब इतना फालतू का मटेरियल लगाने का क्या फायदा है? कोई फायदा? मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि बेटा इतना फालतू का मटेरियल क्यों खर्च कर रहे हो? समझो, समझो क्या कहने की कोशिश कर रहे बेटा, इतना फालतू का मटेरियल क्यों खर्च कर रहे हो? ठीक ना, मेरा कहने का ये मतलब था जस्ट अ सेकेंड, चलो मैं अभी यही चीज दे रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं. चलो शायद समझ जाओ. सी दिस, मेरा कहने का मतलब है कि जब सॉलिड शाफ्ट में सेंटर पे शियर स्ट्रेस जीरो हो रहा है, तो भाई मेरे सॉलिड शाफ्ट से क्या फायदा? सॉलिड शाफ्ट से कोई फायदा है? अरे सर, इतना मटेरियल तो फालतू का खर्चा हो रहा है, एक्स्ट्रा खर्च, एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रहा है हमारा, इस मटेरियल का तो फालतू खर्चा जा रहा है ना, तो वी कैन रिमूव दिस. सो रिमूव दिस एंड वी यूज हॉलो शाफ्ट इंस्टीड ऑफ We can use hollow shaft instead of what? Solid shaft. So my dear, यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉलिड शाफ्ट में ज्यादा पावर ट्रांसमिशन होगा कि हॉलो शाफ्ट में? सो डियर, हॉलो शाफ्ट का परफेक्शन भी है, हॉलो शाफ्ट में ज्यादा दिक्कत नहीं है, हॉलो शाफ्ट हल्का भी होता है तो स्पीड ज्यादा होगी. तो थोड़ा ध्यान से, सॉलिड शाफ्ट क्या होगा एंड हॉलो सा मोर पावर ट्रांसमिशन. मोर पावर ट्रांसमिशन, ज्यादा से ज्यादा पावर ट्रांसमिशन करेगा. ठीक ना, लेस पावर ट्रांसमिशन. ठीक है ना, लेस पावर ट्रांसमिशन ना. नेक्स्ट पॉइंट, ये लेस पावर ट्रांसमिशन, वो मोर पावर ट्रांसमिशन. नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एक्चुअली ये मोर पावर ट्रांसमिशन क्यों होता है? पावर बराबर क्या होता है बेटा? टॉर्क इनटू ओमेगा. टॉर्क तो दोनों में सेम जा रहा भाई,
दोनों का सेम क्रॉस हो गया, तो टॉर्क सेम जा रहा भाई, ठीक है ना, बट ओमेगा लो है इसका, इसका ओमेगा बहुत ज्यादा है, वाई ऐसा क्यों, इसका ओमेगा कम है, बिकॉज बेटा जब मटेरियल रिमूव किए लाइट इन वेट, जो चीज जितनी हल्की होती है, मैं कह रहा हूं कि एक हल्का है एक भारी है, तो हल्का वाला तेजी से दौड़ पाएगा ना, यू कैन सी दिस हैवी इन वेट, समझ गए बात, बात समझ गए। अंकित पूछ रहे हैं सर होलो शाफ्ट के लिए कैसा बनाऊंगा, यू कैन सी दिस अंकित, सी दिस, दिस इज फॉर होलो शाफ्ट ना, ये बाकी जो बचा एलिमेंट है सब होलो शाफ्ट का ही तो है, सब बचा हुआ एलिमेंट होलो शाफ्ट का ही तो है, हमने वही तो किया, सॉलिड को हटा के होलो लेकर आ गए। इंजीनियर क्या कहता है, इंजीनियर कहता है कॉस्ट बचाओ, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो जा रहा था उसको बचा लिया हमने, होलो शाफ्ट को लेकर आ गए, क्लियर क्लियर बेटा, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो जा रहा था हमने उसको बचा लिया, हम किसको लेकर आ गए, हम होलो शाफ्ट को लेकर आ गए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ना अब अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है पावर ट्रांसमिट करने वाला शाफ्ट कौन सा शाफ्ट होता है, तो खुला बोल देना पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट जो होता है ऑलवेज ऑलवेज हॉलो शाफ्ट, ऑलवेज हॉलो शाफ्ट, हमेशा ऑलवेज वी आर यूजिंग, क्लियर, आशा करता हूं अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो अभी हमने जो बेसिक देखा एक बार और मैं आपको समझा देता हूं, टॉर्सन इन शाफ्ट के अंदर टॉर्क ट्विस्टिंग कपल सीयर फोर्स टेंजेंशियल इफेक्ट या अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, जैसे कारण टॉर्सन आता है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को हिसाब से लगती हैं, ठीक है, जिसके कारण दो चीजें होती है एंगल ऑफ ट्विस्ट और शियर स्ट्रेन, ठीक है ना, बट हमारा जो जो रिलेशंस होता है वो ये, ठीक है ना, ट्विस्टिंग क्या होता है, बेंडिंग और ट्विस्टिंग में डिफरेंस क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉर्क, राइट हैंड थंब रूल है ये, ठीक है ना। नाउ टॉर्सन इक्वेशन में थीटा और फाई का रिलेशन जानते हैं, उससे हमने शियर स्ट्रेन लेकर आ गए, ठीक है ना, एजम्पशंस, एजम्पशन मटेरियल होमोजेनियस होना चाहिए, आइसेंट्रोपिक आइसोट्रोपिक होना चाहिए, लोड विद इन इलास्टिक लिमिट लगना चाहिए, वेट ऑफ द शाफ्ट नेग्लिजिबल कर दो, और क्रॉस सेक्शन शाफ्ट की परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होनी चाहिए, ऐसा समझा है। देन हुक्स लॉ लगा के हमने टाउ का रिलेशन निकाला रेडियस से, तो ये निकल के आया, और यहाँ से टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फंक्शन ऑफ रेडियस, सो फाइनली हमारे सामने एक रिलेशन ये आ गया, ठीक है ना। एंड फिर उसके बाद हमने क्या करा, ये एरिया वगैरह कंसिडर किया, अगर हम टॉर्क निकालने लग गए तो एक और रिलेशन आया टी बाई जे, टी बाई आई पी इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, वहां से हमारा प्योर टॉर्सन इक्वेशन जनरेट हो गया। अगर आपको कहता है डेरिवेशन करो तो आप डेरिवेशन भी कर सकते हो ना। फिर मुझे समझ में आया कि अब सॉलिड शाफ्ट का तो यहाँ सेंटर पे शियर स्ट्रेस जीरो होता है, तो यहाँ मटेरियल रखने से फायदा क्या है, तो एक काम करो उसको रिमूव कर दो, एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्चा जा रहा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रहा है भाई, सो वी कैन यूज हॉलो शाफ्ट इंस्टीड ऑफ सॉलिड शाफ्ट। सॉलिड शाफ्ट हॉलो शाफ्ट का अंतर क्या है, तो लेस पावर ट्रांसमिशन मोर पावर ट्रांसमिशन बिकॉज ऑफ लाइट इन वेट एंड पावर ट्रांसमिशन ऑलवेज हॉलो शाफ्ट। देन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी बेसिक चीज बताया, इसका डिटेल है ठीक ना, अभी बाकी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कब होंगे, पहले इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो हो जाए, पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए, अभी तो तुमने ये पढ़ा, अभी इसमें से केस निकलेगा, अभी तो तुमने सिर्फ ये पढ़ा, अभी इसमें से केस जनरेट होगा ठीक ना, उस केस के पूरे डेरिवेशन को सॉल्व कर लेंगे,
ठीक ना, चार क्लास हम लोग अभी, तीन एक क्लास हो गया ना, तीन क्लास और अभी हम अभी इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। देन लास्ट की क्लास जो होगी वो होगा न्यूमेरिकल क्लास, सारा क्वेश्चन सारा ए टू जेड न्यूमेरिकल कराएंगे उसके अंदर, ठीक है। डोंट टेक एनी टेंशन, चलेगा? यस चलेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो अभी जो है बेटा इसका टॉर्सन इक्वेशन, हाँ पुराने क्वेश्चन देख लीजिएगा, सही है। ठीक ना, तो कल से हम लोग इसके केसेस वगैरह भी करेंगे, ठीक है ना, कल से हम लोग इसके केस वगैरह भी पढ़ेंगे, अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर गेट एंड ईएसटी, आप ज्वाइन कर सकते हो। आलोक लाइव कोड लगाइए, आलोक लाइव एक डिस्काउंट कोड है आपके लिए। तो डियर इफ यू वांट टू ज्वाइन, तो यू कैन चूज माय कोड दैट इज आलोक लाइव। नाउ आज स्पेशल क्लास में फ्लूइड काइनेमेटिक्स का रिविजन होने वाला है, आज स्पेशल क्लास में फ्लूइड काइनेमेटिक्स का रिवीजन होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे ना। आप प्लस या आइकॉनिक पे हमारे साथ जुड़ सकते हो, प्लस टू मैजिकल लाइव क्लासेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, इंग्लिश हिंदी बैचेस, डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली टेस्ट, क्रैश कोर्सेस, ये सब मिलेगा। बोलकर ही सारे डाउट क्लियर होते हैं प्लस पे। आइकॉनिक में प्लस का फायदा, देन पर्सनल कोच, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग इंस्ट्रक्टर, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशन, टेस्ट एनालिसिस, सिर्फ एक कोड लगाना है, दैट इज आलोक लाइव। मेरा ये कोड याद रखिएगा, आलोक लाइव, ये डिस्काउंट कोड है जिससे आपको अनअकैडमी पे फीस के अंदर डिस्काउंट मिलता है, रेफरल कोड है ये, ठीक है ना, ये रेफरल कोड है जिससे आपको रेफर कर सकते हो, इससे ऑफर पा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो हाई वीडियो क्वालिटी सॉल्यूशंस के साथ। सो यहाँ ध्यान रखना है आपको, पर मंथ ईएमआई के साथ आप हमारे साथ यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, डियर 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने पे, देयर इज नो कॉस्ट ईएमआई, ठीक है ना। प्लस के प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हो, 4 मंथ के प्लान पे, 1 महीने का प्लान फ्री है, तो 4 मंथ पे, अभी 1 मंथ फ्री चल रहा है डियर, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। 4+1 का प्लान चला है, दैट इज 5 मंथ मिल रहा है आपको, टोटल फीस इज 16,199 रुपीज, 16,119 रुपये शायद, या 199 ऐसे ही कुछ है, देख लीजिएगा। तो कोड वहां भी लग जाएगा आलोक लाइव, ठीक है ना। आइकॉनिक की बात करता हूँ, आइकॉनिक पे आपका जो फीस थोड़ा सा ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पर्सनल कोच, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशन, ठीक ना, टेस्ट एनालिसिस होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग इंस्ट्रक्टर मिलेगा, तो इन सब का खर्चा है, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल सब का जो आपको भेजेंगे हम लोग, ठीक ना, देयर इज नो कॉस्ट ईएमआई, इसलिए थोड़ा सा फीस ज्यादा है, बट पर्सनल कोच का मिलना और स्टडी मटेरियल के साथ सुपर सुपर, ठीक ना। आप प्राइस हाइक होने वाला, आप ज्वाइन कर सकते हो हमें, द कोड इज आलोक लाइव, आलोक लाइव लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, दिस इज डिस्काउंट कोड, ठीक है ना। आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है, डिजाइन मेरी जान है। रैंक इंप्रूवमेंट बैच 13th of October से स्टार्ट हुआ है, यहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हो ध्यान से, ठीक है ना, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, ओके। आलोक लाइव लगाइए और जुड़ जाइए ध्यान से, आलोक लाइव लगा डाला, लाइव बदल डाला, याद रखिए, ठीक है ना। इंट्रोड्यूसिंग द पैनल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यू कैन सी दिस, मैकेनिकल एस्पिरेंट्स के लिए पैनल तैयार किया गया है, ठीक है ना। एंड ये देखो रैंक इंप्रूवमेंट बैच है, मुझे रैंक इंप्रूवमेंट बैच में मैं आप लोगों को कुछ नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रैंक इंप्रूवमेंट बैच में सही से ज्वाइन करिए, सही तरीके से जुड़िए, ठीक है ना। वर्ब बैच जो है आपके लिए आया है, इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश में अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए वर्ब बैच आया हुआ है, ठीक है ना। ये 20 तारीख से आ रहा है वर्ब बैच, यू कैन सी दिस 20th, और रैंक इंप्रूवमेंट 13 से आया हुआ है। अगर आप प्लस ले लोगे तो बेस्ट टेस्ट मिलेगा डियर, उसके साथ साथ आप लोगों को
हाँ डाउट पूछ सकते हो, इसका फोटो खींच के आप भेज सकते हो, देन प्रैक्टिस सेशंस आपको मिलेंगे 10,000 प्लस प्रैक्टिस सेशंस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप ओपन करिए, सेल्फ स्टडी सेक्शन में जाइए, प्रैक्टिस सेशन में जाइए, देन टॉपिक सिलेक्ट करिए और क्वेश्चन लगाइए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक ना। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, आप ये टेलीग्राम चैनल में जाकर देख सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ स्पेशल क्लास का टाइमिंग बता देता हूँ, आज जो स्पेशल क्लास है 4 PM, 6:15 PM एंड 8:30 PM। आज तीन स्पेशल क्लासेस हैं, 4 बजे, 6:15 बजे, 8:30 बजे। यहाँ फ्लूड काइनामेटिक्स का तीनों पार्ट है, तीनों आराम से 3 घंटे, मतलब 3 सेक्शन है, 2-2 घंटे का है, 6 घंटे में फ्लूड काइनामेटिक्स खत्म है। ध्यान रखियो, ध्यान रखियो, ख्याम खत्म करना है इसमें, ठीक ना, दौड़ेगा वेरी गुड। तो 4 बजे भी दोबारा आपसे मुलाकात होगी, जस्ट 1.5 घंटे और रह गए। और मैथामेटिक्स FM खत्म हो गया है, सो मैथामेटिक्स अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आर्यभट्ट टू रामानुजन बैच, सी दिस द बैच नेम, 0 to infinity, आर्यभट्ट टू रामानुजन, आर्यभट्ट टू रामानुजन बैच, 0 to infinity, ठीक ना। ये स्टार्ट होगा आपका जल्द ही, तो आपका मैथ का ही बारी है, मैथ पूरा आपको पढ़ाऊंगा। मैथ कंप्लीट होने के बाद इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो है आपका, जिसको आपको करना है, एप्टीट्यूड कैसे करना, कैसे होगा मैथमेटिक्स के बाद जनरल एप्टीट्यूड्स का, तो जनरल एप्टीट्यूड्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस प्रकार से आएंगे, क्या होगा, वो सारी चीज़ें A to Z आपका कंप्लीट होगा। आर्यभट्ट टू रामानुजन, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह बने रहिए, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है ना, इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए और पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। सो सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय, तब तक ले सभी को जय हिंद, जय भारत।